हो ठीक हो गया। रहा, मैं नेट असल में भी ना रिकॉर्डिंग स्लो हो लगा रहा गया हूँ, है। साथ में रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ मैं अब। सर एक और आपने आज बताना है, हम कोई भी राइटिंग करते हैं तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड है कलर्ड बैकग्राउंड वो किस तरह दें। अच्छा, दो टाइप से दे सकते हैं, दोनों में दिखाता हूँ। मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन आ रही है? जी सर आवाज सही आ रही है। जी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सर दी है। चलें ठीक है, माशाल्लाह। सबसे पहले हमें जो डिज़ाइन चाहिए होगा, डिज़ाइन आप लोगों ने देखा हुआ, क्या चाहिए आपको? सबसे पहले हमने क्या करना है, कस्टम साइज़। अगर क्लाइंट दे दे तो अच्छी बात है, नहीं देता तो आपको पता होगा कि आपने किस लिए बनाना है। तो मैं, आप लोगों ने कहा था कि हम इंस्टाग्राम के लिए ये साइज़ यहाँ पर क्लिक कर दें, बेशक कस्टम में जाके कर दें, तो हम इसको सिर्फ कस्टम में ही करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कस्टम ही आप यूज़ किया करें, ताकि ये साइज़ जो है ना दिमाग में बैठ जाए आपके। लेकिन सर आपकी स्क्रीन तो नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? नो हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है ये हो सर, रही है, हो रही क्या है सर, नज़र मैं आ चेक रहा करके। है? ब्लैंक पोस्ट है। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं है, सबको सब कह रहे हैं हमें नज़र आ रही है। शो हो रही है, आप मीटिंग दोबारा अब ज्वाइन क्या कर हो लें। रही है, नजर आ रही है, नहीं शो हो रही है। किसी और को भी इशू है? सर नेट स्लो होने की वजह से इनका प्रॉब्लम है, नेट से ही होता है तो हो जाती है शेयर। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में आपने कलर लेना है इसमें, ठीक है? कुछ कलर जो आपको याद होंगे, या आप कलर कोई भी पिक करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? क्योंकि मुझे डार्क कलर चाहिए, कॉफी डार्क कलर। इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर ये यूज़ करता हूँ, कलर पिकर के नाम से है, ठीक है? और सबसे पहले हमें ये कलर चाहिए, ये कलर यूज़ कर लें, जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। सर ये जो सॉफ्टवेयर का आपने बताया, ये आपने अलग से डाउनलोड किया हुआ है या कैसे? अच्छा जी, कलर पिक करने के लिए है, अलग से डाउनलोड किया हुआ मैंने। ओ भाई, क्या हो गया स्क्रीन को, क्यों हैंग कर रही है ये? सर आप एक दफा स्क्रीन ऑफ करके दोबारा ऑन करें, नहीं शो हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही। सही है, स्टॉप शेयरिंग ऑप्शन। आप सब कुछ हो रही है सर की स्क्रीन? यस। जी। अच्छा व्हाट्स रॉन्ग विद माय साइड? जी आप ऐसा करें ना, आप मीटिंग एंड कर दें कॉल और दोबारा ज्वाइन कर लें। रीजॉइन कर लूँ। ओके नहीं होगी, ठीक हो गया सर, होगी शो। चलें ठीक है जी, होगी ये। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेना है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर लें। मैंने ये कलर यूज़ किया है, या कलर आपको यूज़ करें, मतलब आपको पता हो कलर का नेम तो वो ठीक है, जो नहीं पता होगा तो फिर आप पिक कर लें उससे। मुझे याद है 09 ये कलर था मेरा, जो मैंने यूज़ किया था इसको। इसके बाद आपने क्या करना है, अगला मरला है आपका, आपने बैकग्राउंड कर लिया, क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको एक पिक्चर चाहिए होगी, ठीक है? जिसके ऊपर आप कॉफ़ी रख सकते हैं, वो टेबल है, उसका नाम था वुडन, ठीक है? वुड टेबल, वो आपने सर्च कर लेना यहाँ से, वुड टेबल। एलिमेंट्स के अंदर ही मैं हर चीज़ सर्च कर रहा हूँ, ताकि मुझे जो भी आसानी है यहाँ से, अगर मिल जाए, फ़ोटो चाहिए होगी तो फ़ोटो मिल जाएगी, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैं फ़ोटो ले लूँगा, ठीक है? पिक्चर हम यूज़ कर लेते हैं, ये देखते हैं हम, ज़्यादा बेस्ट रहती है, या कोई और देखते हैं फिर, ये देखते हैं। मैं वो ले रहा हूँ पिक्चर जो जिसका ये बैकग्राउंड भी हो, साथ में वो ब्लर टाइप नज़र आ रहा हो, ताकि मुझे ब्लर ना करना पड़े उसको। मैंने
एक रिसेंटली भी यूज़ की थी, वो देखता हूँ। ये पड़ी हुई है इनमें से जो अच्छी लगे, चलें ठीक है। इनमें से ये नहीं हम यूज़ करते, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। ये आप कैनवे का कोई पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं या ये फ्री है? मतलब सर मैं पेड यूज़ कर रहा हूँ। पेड यूज़ कर रहे हैं जी, जिसमें वाटर मार्क वगैरह कुछ नहीं आता होगा ना? नहीं नहीं कुछ नहीं आता सर। सर ये कुछ डिज़ाइन हम जब सर्च करते हैं तो मोस्टली पेड आ रहे होते हैं, जैसे आपने ये लिखा ना हुड टेबल, मैं भी लिख के जब सर्च कर रही हूँ तो ये सारे पेड नहीं आ रहे हैं। हाँ जी मेरे पास पेड वाला अकाउंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसमें। मैंने इसका तरीका आपको आज बताया, मैंने आपको नंबर दिया था, पता नहीं किसने मांगा था कि मुझे कैनवा प्रो चाहिए। मैंने कहा अपने एक मेंबर है वो सेल कर रही हैं कैनवा प्रो। जी सर आपने मुझे दिया था, मुझे नाम नहीं याद किसका था। ये मंथली फीस होती है कैनवा प्रो की? भाई साल के लिए मिल जाता है 1000, 1200, 1500 तक, कोई सेल कर रहा होता है, कोई 2000 में सेल करता है, वो उनकी अपनी मर्जी होती है। वो 1500 में यार 1000 रुपये भी हो तो एक साल का तकरीबन 100 रुपये पर मंथ का पड़ेगा। ठीक है तो 100 रुपये पर मंथ का होगा, कितनी एफर्ट बच जाती है आपकी। सर इसके इसके अलावा इसका और तरीका भी तो होता है ना, अगर आप इसको पे मतलब नहीं कर रहे, इसके फ्री तरीके भी तो होते हैं ना? नहीं पे तो इस तरह होता है ना कि पे आप कैनवा को कर रहे हैं, मैंने उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास ऑलरेडी ये सिस्टम सहूलत होती है। पे तो करने वाली बात है, वो तो तकरीबन बनता है आपका 1500-1600 रुपये बनता है, $8 पर मंथ के हिसाब से वो चार्ज कर रहे होते हैं कैनवा वाले। जी जी बोल रहे हैं सर, कोई मसला नहीं। कैनवा प्रो आप रात से जाएं रात ऑनलाइन वहाँ से कैनवा प्रो करें, तो मैंने वहाँ से परचेज किया प्रो, सही है। मैंने आज सर किया रात पे है तो सही, लेकिन वो एक्यूरेट है, वो आपको ईमेल देंगे क्या, किस तरह शेयरिंग करेंगे वो? वो ये आप ऑर्डर करने से पहले आप हमें चैट से बात कर लें, उनको उनको ईमेल दे दें, आपके ईमेल को एक्टिव कर दें, वही ईमेल आप अपना यूज कर सकते हैं उसी। चलें वो आप दराज पे कर लीजिएगा जिसने करना है। वो कहते तो हैं तो 2 महीने में यार 200 रुपये में और क्या चाहिए आपको? जी जी चलें हम ये शुरू करें, हम बाद में बात करते हैं, मेरी पोस्ट रह जानी है तो हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम सारी गुफ्तगू करेंगे, ये नहीं है कि हम सिर्फ बात ही करने के लिए काम करने के लिए बैठे हैं, बाद में बहुत सारी बातें होती हैं भाई, सब करेंगे यहाँ पे। सर ये मैंने एक ग्रुप में शेयर किया है, मुझे ये वाला टेबल मिला है फ्री में, बाकी तो चलें हम देखते हैं उसको भी आगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए मैंने अपना नाम भी लिख दिया, इसके बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है और हमें चाहिए यहाँ पर कॉफ़ी का मग, ठीक है, मॉकअप बोलते हैं उसको। अभी मैंने मुझे यहाँ से सही मिला नहीं था कॉफ़ी मग, मैं देखता हूँ कॉफ़ी कप, मैंने मग देखा था, मॉकअप देखा था कि मिल जाए मुझे, लेकिन मिला नहीं था मुझे अच्छा सा जो डिज़ाइनेबल हो। उसके लिए फिर मैंने क्या किया था, पिक्चर अपलोड कर ली थी, ये देखें ये पिक्चर अपलोड कर ली थी कि एक ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई मुझे। इसका मैं बैकग्राउंड मूव करता हूँ, ये करना है या यहाँ से कोई ले लें? चले यहाँ से, ठीक है ये। मुझे मॉकअप ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैंने कहा कोई डिज़ाइन वगैरह भी होते हैं ना उसके अंदर तो वो ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, इसलिए मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका हम बैकग्राउंड मूव कर देंगे सबसे पहले, कैनवा की अभी तक सिर्फ हमने 5-6 चीज़ें यूज़ की हैं, कम से कम भी 1 दर्जन या 2 दर्जन से ज़्यादा इसकी ऐप हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ ताकि ये मेरे हिसाब से जिस तरह इसको मैं यूज़ करना चाहूँ वो कर लूँ। किसी भाई का एतराज़ था कि यहाँ पे टेबल पे होना चाहिए, ये टेबल पे मुझे अच्छा लग रहा है ये। इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं,
इसके अलावा हमें क्या चाहिए था, इसका शेडो चाहिए था। एलिमेंट्स होते हैं उनका शेडो तो बन जाता है, लेकिन जो पिक्चर्स होती हैं उनका नहीं बनता, इसलिए मैं जाके यहाँ पे शेडो लिखता हूँ। मुझे शेडो चाहिए एक जो कि मैं कॉफ़ी के नीचे दे सकूँ सिंपल वे में। आप सर्च कर सकते हैं कोई भी जो आपको अच्छा लगे। जो मैंने यूज़ करना है वो यही पड़ा हुआ था कि वो ये चलो यार कोई बात नहीं, रोने का टाइम था ये नहीं। ये मैंने इसको थोड़ा सा ये सेट कर लिया। अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे। वो टेक्स्ट के लिए हम एक हेडिंग यूज़ करेंगे जिसका नाम है ही हेडिंग है उसका नाम। उसमें हम लिखेंगे कॉफ़ी कॉफ़ी। इसका हम फॉन्ट चेंज कर देंगे। फॉन्ट जो मैंने यूज़ किया था वो लीग था, ठीक है। और आप जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे, कोई भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पसंद है वो बता दीजिएगा, उसको यूज़ कर लेंगे हम। वो बोल्ड टाइप होना चाहिए ताकि आपका जो वाजिया जो पोस्टर है वो नज़र आना चाहिए कि आपने करना क्या है उसमें। चले हम ये यूज़ कर लेते हैं। काइंडली चेंज इन माइक ऑन है, ऑफ कर दे। ठीक है मैं ऑफ कर देता हूँ। डिस्टॉर्शन हो रही है मीटिंग में। हेलो जी। सॉरी मुझे रुक गया मेरा, सॉरी। ठीक है इसका माइक, चले आप अपने माइक ऑफ रखें, मुझे ना करना पड़ा तो अच्छी बात है। मेरी स्क्रीन आ रही है जी सर, आ रही है। मैं एक यहाँ पे क्योंकि पिक्चर ऐसी है, इसके बैकग्राउंड पे मुझे ये सारी मेरा जो कलर है वो सही नज़र नहीं आएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे एक एलिमेंट यूज़ कर लेता हूँ स्क्वायर, ठीक है। उसका मैं ओपेसिटी वगैरह डाउन कर दूँगा ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगे। स्क्वायर लाइन इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ आपके, ये थोड़ा सा ब्लर नज़र आए। सेंड टू बैक, ठीक हो गया। इसकी मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, अभी देखते हैं अभी कि टेक्स्ट कैसा लगता है। क्योंकि पिक्चर हमने ये यूज़ की है, जो मैंने यूज़ की थी वो और थी, उसमें ये सारा इस तरह ब्लर वो मतलब नहीं नज़र आ रहा था, ज़्यादा वो ब्लर थी, ये ज़्यादा ब्लर नहीं है, इसलिए इसको हम कलर में इस तरह एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम एक और हेडिंग लेते हैं जिसमें हमने लिखा था स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग सॉरी टेक्स। अच्छा इसका हाल ये भी है कि आप अगर ये यूज़ करना चाह रहे हैं इसी को यूज़ कर दें, यही फॉन्ट यूज़ करना है। मैंने एक ही फॉन्ट यूज़ किया था दोनों के लिए। इसको हम इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं यहाँ से। चलें ठीक हो गया। इसके अलावा हमने यूज़ करना था, एक और हेडिंग थी जिसमें लिखा था ए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी विद, क्या था भाई वो स्पेलिंग क्या थे उसके, क्या मुझे व्हाट्सएप देखना पड़ेगा क्या था।
ए डेव इज़ स्ट्रॉन्ग काफ़ी। अच्छा, इसमें हम एक सब हेडिंग यूज़ करते हैं ए डे विद, इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं कलर, सॉरी ये आप, मैंने ये कलर किया है, इसको इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ से कोई स्टाइलिश टाइप लेते हैं, स्टाइल फॉन्ट हो कोई। किसी का क्वेश्चन हो यहाँ पे वो पूछ सकता है साथ साथ, कोई भी क्वेश्चन हो किसी का भी। टेक्स्ट को ब्लर कैसे करते हैं? टेक्स्ट को ब्लर भी बताता हूँ आपको। टेक्स्ट को ब्लर क्यों करना आपने वैसे? कहीं पे आ जाते हैं कि ब्लर पोस्ट में नजर आता है तो प्रैक्टिस के लिए वो यूज़ होता है उसमें। इफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें इफेक्ट में बहुत सारे हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ी सी पोस्ट को चमकदार बनाते हैं ऐसे। अच्छा, और हमने क्या यूज़ करना था इसमें? कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी बीन थी, कॉफ़ी, सॉरी मैं पहले इसको ऐड कर दूँ, कोई मेंबर है कॉफ़ी बीन, ये यूज़ करते हैं। ये देखें ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो आपको पोस्ट अच्छी लगेगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपल सी बनाई थी कि थोड़े से वो कॉफ़ी बीन जो है वो नज़र आ जाए यहाँ से, ये देखिए। इसके अलावा एक और एक ये यूज़ किया था कॉफ़ी बीन, ये इसको कॉपी करके दूसरी साइड पे भी ले जाते हैं। क्या ये इस साइड पे नज़र आ जाए? इसमें हमने टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट था हमारा डे विद स्पेशल ऑफ़र के नाम से था, सॉरी टेक्स्ट हेडिंग और स्पेशल ऑफर, वीकेंड ऑफर। यहाँ से टेक्स्ट चेंज करते हैं हम, ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको 46, टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप फॉन्ट, सॉरी फॉन्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको याद हो, एंटर। इस पर मैं जाके इसको लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग इसको यूज़ कर लेता हूँ थोड़े से, और बस ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ये किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक, या सिर्फ मैं बनाई जा रहा हूँ आप लोगों को समझ नहीं आ रही, या सब कुछ समझ आ रहा है? हम भी आपके साथ बनाई हो, चलें ये अच्छी बात है, आप बना रहे हैं तो। और यहाँ पे हमें एक लाइन हाइट चाहिए,
जी सर, वो लीफ वाला जो एलिमेंट आपने यूज किया था लीव वाला कॉफी जी सर। बीन यूज़ किया, लीव वाला नहीं अभी किया, लीव अभी करना है मैंने। नहीं सर, मैं वैसे पूछ रही हूँ, कॉफी पी तो कर रही है ना सर, एग्जांपल के लिए थोड़ा सा दिखा दी। मैं दिखाता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लो। सर हमें छोटे बीन्स मिले हैं, हमने वही लगा लिए आपके दूसरे। चलें, जो भी है मिल मिल तो रहे हैं ना। हाँ जी सर, आप पेड़ है हमारे टीम में है, ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा कॉफ़ी को मैं इस साइड पे कर लेता हूँ ताकि इसको मैं यूज़ कर देता हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, कि जिस तरह आपने बनानी है। खैर ये हो गया। इसके अलावा आपने यहाँ पे, मैंने एक और चीज़ यूज़ की थी, वो थी लीव, लीफ, नीम के पत्ते। ये थे, ये वाला। इसको भी आपको जहाँ पे आपने यूज़ करना है, ये थोड़ी सी सोच होती है कि आपने कहाँ पे इसको यूज़ करना है, किस तरह करना है। ये शुरू में मैंने इसलिए कहा था कि टूल समझ लें पहले, टूल चलाना आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। चलें, इसके अलावा क्या रहता है इसमें? हाँ, इसमें शेडो रहता था। टेक्स्ट पे गए, यहाँ पे इसको शेडो देना है मैंने। ये शेडो है, शेडो में कलर मैंने यूज़ करना था कॉफ़ी वाला। ये देखिए, ये और डायरेक्शन इसकी मैं आगे ही रहने दूँगा, ऑफसेट ज़्यादा कर दूँगा। ब्लर, आपने किसी ने अभी पूछा था, शायद ज़ारा ने पूछा था कि टेक्स्ट को ब्लर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ये सारे इफेक्ट के अंदर ब्लर भी होता है, किसी में भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। सर अब यहाँ पे है किसी का कोई क्वेश्चन तो मुझे बताए। तो सिंपल सी बात है कि हमने 10-15 मिनट में ये बना लिया। जी, बाकी तो सारी वो मेकअप वाली बात होती है कि जितना मेकअप करते जाएंगे उस तरह होता जाएगा। ये पोस्ट में भी तो मैं इसी तरह बोलता रहता हूँ कि मेकअप की बात ही करता हूँ मैं खूबसूरत बनाने के लिए। जी,